हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और मैं आप सभी के बीच में एक बार फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी की जानकारी लेकर आ गया हूँ। बड़ी रिक्वायरमेंट निकली हुई है डिश टीवी के अंदर। डिश टीवी एक केबल ऑपरेटर कंपनी है, इसमें बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट निकली हुई है। पूरे पैन इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट है। आप अपने नियर बाई लोकेशन पर इस जॉब को कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप फ्रेशर हैं, तब भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम 12th पास हैं, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट के लिए जॉब रहने वाला है और इस जॉब के अंदर आपको सैलरी बहुत ही अच्छा मिलेगा। फुल टाइम परमानेंट जॉब होने वाला है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको एक एक करके इस जॉब से जुड़ी हुई सारी जानकारी को देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है। अगर आप डेली बेस पर 10 से 15 जॉब की इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके उसको सेव कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस जॉब की इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिश टीवी कंपनी के अंदर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ओनली मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। तो कृपया लड़कियां इस जॉब के लिए अप्लाई मत करें। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 35 साल की एज तक के कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों ही तरह के कैंडिडेट के लिए जॉब होने वाला है। और आपका जो प्रोफाइल रहेगा वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल रहेगा। लेकिन इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, कोई टारगेट बेस का यहाँ पर जॉब नहीं रहेगा। सेल्स का जॉब जरूर रहेगा, लेकिन इसमें आपको फिक्स सैलरी मिलेगी और साथ ही इंसेंटिव भी आपको मिलेगा। तो टारगेट बेस की कोई टेंशन आपको नहीं रहेगी। लोकेशन पूरे पैन इंडिया की है, आप किसी भी लोकेशन से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको अपने नियर बाई लोकेशन में ही यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। एजुकेशन रिक्वायर्ड की बात करें तो 12th पास और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो कंपनी के अंदर 16,000 से लेकर 20,000 रुपये तक फिक्स सैलरी आपको मिलेगी और साथ ही आपको इंसेंटिव भी मिलेगा मंथली बेस पे अगर आपका टारगेट जिस हिसाब से अचीव होता है। लेकिन आपको 16 से लेकर 20,000 रुपये की फिक्स सैलरी मिलेगी। अभी जॉब को अप्लाई करने के लिए क्या करना है, उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पे आपके पास व्हीकल होना जरूरी है। अगर आपके पास बाइक है तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाइक नहीं है, अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल से भी आप इस जॉब को कर सकते हैं। तो साइकिल या बाइक आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एक लिंक मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ। इसमें आप नीचे आएंगे, नीचे आके अप्लाई लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक नया पेज गूगल फॉर्म के रूप में खुल के आ जाएगा और इसमें ही आपको इन्फॉर्मेशन अपनी सबमिट करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, आप 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास है, क्योंकि केवल इन्हीं दोनों क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर जॉब है। करंट अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आप लिखिए, नहीं वर्क कर रहे हैं तो आप फ्रेशर लिखिए। अगर पहले वर्क कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस पे सेलेक्ट कीजिए, अगर कहीं वर्क नहीं कर रहे हैं तो फ्रेशर पे सेलेक्ट कीजिए। प्रेजेंट सिटी, आप अपने सिटी का नाम डाल दीजिए जहाँ पे आप रहते हैं। तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिएगा, कोई छोटे मोटे गाँव का नाम मत डालिएगा, जहाँ पे गाँव में रहते गाँव का नाम मत डालिएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिएगा। और यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिस भी स्टेट से आप रहते हैं। जेंडर ओनली मेल के लिए रिक्वायरमेंट है, लड़कियों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पे आपको अपना एक दूसरा मोबाइल नंबर भी डालना है कि पहले नंबर पे अगर आपसे संपर्क ना हो पाए तो आप दूसरे नंबर से यहाँ पे संपर्क किया जा सके। इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी इंग्लिश पे सेलेक्ट कर दीजिए अगर ये दोनों लोगों में जाती है। इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है तो चिंता मत कीजिएगा, बस आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना, बेसिक पढ़ना वढ़ना तो आना ही चाहिए, वो सबको आता है। अगर आप कोई 12th पास है या ग्रेजुएट पास है तो आप हिंदी इंग्लिश पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही अगर हिंदी इंग्लिश के साथ आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है, जैसे भोजपुरी, आसामी, बंगाली, तो उसको आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मुझे हिंदी इंग्लिश और भोजपुरी आती है तो मैं ये दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अगर आपको केवल हिंदी इंग्लिश आती है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपने डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सबमिट करते हैं, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और फिर कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट करेगी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।